एक ऐसी दीवार जिसे बनाने के दौरान चली गई थी लाखों लोगों की जान। इस दीवार को बनाने में लगे थे 2000 साल। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है ये दीवार। 7 अजूबों में भी शामिल है ये दीवार और सैकड़ों लड़ाइयों की गवाह रही है ये दीवार। मजबूती और वास्तुकला की अद्भुत नजारा है ये दीवार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल चाइना की। इसे चीन ने कब और क्यों बनाया? आखिर क्यों इस दीवार को बनाने की जरूरत पड़ी थी? इतने सालों की मेहनत के बाद ये दीवार एक फेल प्रोजेक्ट मानी जाती है। और क्या ये दीवार सच में अंतरिक्ष से दिखाई देती है? जानेंगे इन सभी रहस्यों के बारे में। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये लंबाई इतनी है जितने में आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी को 6 बार माप लिया जाए तब जाकर इस दीवार की बराबरी हो पाएगी। ये दीवार कोई सीधी दीवार नहीं है और ना ही एक बार में ये पूरी दीवार बनाई गई थी, बल्कि ये कई टुकड़ों से मिलकर बनाई गई है। कई जगह ये ईंटों से तो कुछ जगहों पर ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से बनी है। ये दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है जो बर्फीले रेगिस्तान से होते हुए येलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं किया गया, बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा कराया गया था। इस दीवार को 1970 में आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, जिसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। और हर साल 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस दीवार को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, चीन में प्राकृतिक तौर से काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसके एक हिस्से में कई नदियां, झीलें और उपजाऊ जमीन है तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीन। सबसे पहले चीन के संजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती करना शुरू किया था और वो लोग येलो रिवर के पानी से सिंचाई करते थे। लेकिन चीन के पड़ोस में मंगोलियन, मंचूरियन और जिंगजान जैसे साम्राज्य थे जहां उपजाऊ जमीन नहीं होती थी और ये लोग अधिकतर चरवाहे थे जो अक्सर चीन में लूटपाट करने आते थे और अनाज अन्य सामान लेकर भाग जाते थे। इसीलिए चीन के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार बनाने के बारे में सोचा था और चीन के पूर्व सम्राट की हुआंग की कल्पना के बाद ये दीवार बनने में करीब 2000 सालों का समय लगा था। इस दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं और इस दीवार की ऊंचाई एक समान नहीं है। किसी जगह यह दीवार 9 फुट ऊंची है तो कहीं पर 35 फीट ऊंची है। इस दीवार से दूर से आते शत्रुओं पर नजर रखने के लिए कई जगह मीनारें भी बनाई गई थी। चीन की विशाल दीवार को दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वर्तमान में 1/3 हिस्सा गायब हो चुका है। इसका कारण दीवार की सही से रख रखाई की कमी के अलावा मौसम का प्रभाव और चोरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में जो मजदूर कड़ी मेहनत नहीं करते थे उन्हें इसी दीवार में दफना दिया जाता था। आंकड़ों के अनुसार इसे बनाने में करीब 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। इसी कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना भले है, लेकिन अंतरिक्ष से इसे देखा नहीं जा सकता। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।